शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन सच केवल यही नहीं है, एक ऐसी भी जगह है जो हमारे सरकारी दस्तावेजों में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा लिए हुए है, और वहां पर हमारे देशभक्तों के हत्यारे का स्मारक है। सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन ये सच है। विलियम स्टीफन रेक्स हडसन, ये नाम अंग्रेजी सेना के जाली मेजर का था, जिसके हाथ हमारे देशभक्तों के खून से सने थे। लेकिन आजाद भारत में भी हडसन का स्मारक राष्ट्रीय महत्व की इमारत के तौर पर घोषित है। मिलिट्री के या वॉर के जो नियम होते हैं, उसका इसने उल्लंघन ही नहीं किया, इसने उनको अब्यूज किया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों और एक पोते ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन मेजर हडसन ने धोखे से तीनों का दिल्ली के खूनी दरवाजे पर कत्ल कर दिया। इधर लखनऊ के बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। सारे अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार के साथ रेजिडेंसी में कैद हो गए। तब मेजर हडसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना लखनऊ पहुंची। मेजर हडसन के नेतृत्व में ही क्रांतिकारियों का बेरहमी से केवल कत्ल ही नहीं हुआ, बल्कि बाजारों में लूटपाट, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके की बेगम कोठी में हडसन जब लूटपाट कर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा था, तब स्थानीय क्रांतिकारियों की गोली ने उसकी जान ले ली। लूटपाट की भी कोशिश करी अपार्ट फ्रॉम विनिंग द बैटल, और वहां पर हमारे अवध के क्रांतिकारियों ने दिल्ली का बदला लिया। इसको वहां पर इसके लीवर के थ्रू गोली आर पार कर दी गई और इसकी यहां पर डेथ हो गई। हडसन की मौत के बाद तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे सम्मान देने के लिए कालिदास मार्ग के नजदीक ला मार्टिनियर मिशनरीज स्कूल परिसर में दफन कर स्मारक बनवा दिया। अफसोस तो तब होता है जब आज के सरकारी पन्नों में भी उसके स्मारक को राष्ट्रीय महत्व की इमारत बताया जाता है। इन हालातों को देखकर मुंह से बरबस यही निकलता है कि भूलकर हम अपने देशभक्तों के खून की होली गले लगा बैठे गोली बरसाने वाले गद्दारों को चिढ़ा रहा है स्मारक हडसन का। रोज हमें कैसे माफ कर दे अपने देशभक्तों के हत्यारों को। लखनऊ से ईटीवी के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।